नहीं बजे खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2022 का मैच नंबर 62। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने घोषित की अपनी खतरनाक प्लेइंग 11। दोनों टीमों में हुए कई बड़े बदलाव, बदलावों के बाद बनेगी ये टीम सबसे मजबूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के 62वें मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है, जहाँ पर दोनों टीमों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, किन बदलावों के साथ ये टीमें मैदान पर उतरने वाली है। साथ ही हम जानेंगे दोनों टीमों का आईपीएल 2022 के परफॉर्मेंस के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि कौन सी टीम का पलड़ा इस मुकाबले में भारी रहने वाला है, यानी कि इस मुकाबले की प्रेडिक्शन भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि यह मुकाबला कब खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा, इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहाँ पर होने वाला है, इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करे। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स के आईपीएल 2022 के परफॉर्मेंस की, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट टेबल में जहाँ नंबर 9 पर मौजूद है, तो वहीं पर गुजरात टाइटन्स की टीम फिलहाल पॉइंट टेबल में नंबर 1 चल रही है और प्लेऑफ में पहुँचने वाली पहली टीम गुजरात टाइटन्स की टीम बनी है। तो वहीं पर प्लेऑफ से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, यानी कि एक टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुकी है, तो वहीं पर एक टीम प्लेऑफ से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। हम बात करें दोनों टीमों के पिछले मुकाबले की, तो पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटन्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 3 विकेट से हरा कर गुजरात टाइटन्स की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी थी, और अपना अंतिम मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हरा कर यानी कि जीत के साथ मैदान पर उतरे। तो वहीं पर दूसरी तरफ गुजरात टाइटन्स की टीम भी लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम को हरा कर यानी कि दोनों टीमें जीत के साथ एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने वाली है। हम बात करें दोनों टीमों के मुकाबले की, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल 2022 में 11 मुकाबले खेले जिसमें से 4 मुकाबले जीते, वहीं गुजरात टाइटन्स की टीम ने 12 मुकाबले खेले जिसमें से सिर्फ इस टीम ने 3 ही मुकाबले गंवाए, यानी कि इस टीम ने सिर्फ 3 ही मुकाबले हारे, 9 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करी है। हम बात करें इस मुकाबले की, तो यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार 3:30 पर शुरू होने वाली है। साथ ही इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप टेलीविजन में स्टार स्पोर्ट और मोबाइल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे। वही दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के, आखिरकार किस प्लेइंग 11 के साथ ये टीमें मैदान पर उतरने वाली है, किन किन खिलाड़ियों के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की प्लेइंग 11 की, तो इस टीम की ओपनिंग करेंगे एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविन कोनवे, जो अब तक अच्छी फॉर्म में उतरे और भले ही ये टीम पहले मुकाबलों में कुछ खास नहीं कर पाई, इस टीम के गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए जिसके चलते हुए इस टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये टीम अब अच्छी फॉर्म में उतर चुकी है। वहीं नंबर 3 पर मोइन अली उतरेंगे, नंबर 4 पर रोबिन उत्तपा, तो नंबर 5 पर अंबाती रायडू, वहीं नंबर 6 पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उतरेंगे, तो नंबर 7 पर सर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर डेविन प्रोटोरियस, नंबर 9 पर सिमरजीत सिंह, तो नंबर 10 पर मुकेश चौधरी, वहीं नंबर 11 पर महेश तीक्ष्णा में खेलते हुए दिखेंगे, यानी कि यह टीम बिना बदलावों के साथ मैदान पर उतरने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम गुजरात टाइटन्स की टीम की बात करें, तो इस टीम की ओपनिंग करेंगे एक बार फिर रिद्धिमान शाह के साथ सुमन गिल, जो अब तक अच्छी फॉर्म में दिखे, दोनों खिलाड़ियों ने टीम को शानदार ओपनिंग दी है। वहीं नंबर 3 पर साई सुदर्शन, नंबर 4 पर टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या उतरेंगे, नंबर 5 पर डेविड मिलर उतरने वाले हैं, नंबर 7 पर 6 पर राहुल तेवटिया, तो नंबर 7 पर राशिद खान, वहीं नंबर 8 पर अलजारी जोसेफ, नंबर 9 पर प्रदीप सागवान, नंबर 10 पर लोकी फर्ग्यूसन, तो नंबर 11 पर इस टीम की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी में खेलते हुए दिखेंगे, यानी कि इस टीम के पास भी कई शानदार बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है जो इस मुकाबले में कमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की प्रेडिक्शन की, आखिरकार कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, तो यहाँ पर एक बार फिर पलड़ा भारी रहने वाला है गुजरात टाइटन्स की टीम का, क्योंकि ये टीम अब तक काफ़ी अच्छी फॉर्म में उतरी है और इस टीम ने अब तक कमाल का परफॉर्मेंस किया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।